अगर आप ये फार्मा करना चाहते हैं और चाहते हैं इसको सीयूईटी एग्जाम देकर करना, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अब सीयूईटी एग्जाम के थ्रू होगा, और सीयूईटी के थ्रू होगा जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बी फार्मा कराया जा रहा है उसमें भी एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा। तो कितने यूनिवर्सिटीज में बी फार्मा कराया जाता है, उनके लिए क्या फॉर्म में भरना होगा यूनिवर्सिटी और कोर्स का नाम, कौन से सब्जेक्ट का उनके लिए एग्जाम देना होगा, फॉर्म भरना होगा, बहुत क्रूशियल है जानना। तो पूरी वीडियो में बात करेंगे बी फार्मा कोर्स के बारे में, पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आशुतोष राय, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। हम लोग सीयूईटी की गाइडेंस और तैयारी कराते हैं। पिछले 7-8 सालों से मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं, और आज के वीडियो में हम बी फार्मा के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए बी फार्मा कोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो अलग अलग जगह मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट कॉलेजेस में चलता है, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां से बी फार्मा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की देखना चाहोगे तो हमने एक पीडीएफ दिया है, इस पीडीएफ में मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जहां पे आपका बी फार्मा कराया जाता है वो है असम यूनिवर्सिटी। 4 साल का कोर्स है, यहाँ पे इंग्लिश और 3 डोमेन सब्जेक्ट मांगा जाता है, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है बीपीयू लखनऊ है, वहां पे कराया जाता है, यहां भी लैंग्वेज मांगा गया है और डोमेन में आपका 3 सब्जेक्ट मांगा गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। मेजरली जब भी आप देखोगे तो हर यूनिवर्सिटी में 3 डोमेन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा गया है, और साथ में बायोलॉजी के पैरेलल कई जगह मैथ भी मांगा गया है, और साथ में आपको इंग्लिश भी मांगा गया है, ठीक है। तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है, इसमें भी वही 3 सब्जेक्ट मांगा जाता है। चौथी यूनिवर्सिटी है सागर यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यहां भी आप देखेंगे वही जनरल टेस्ट साथ में मांग लिया गया है। फिर पांचवी यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, फिर हेमवती है, और हेमवती के बाद इंडियन गादी ट्राइबल नेशनल यूनिवर्सिटी है, और इतनी ही यूनिवर्सिटी है जिसमें बी फार्मा कराया जाता है। तो मेजर मेजर 7-8 यूनिवर्सिटी है जिसमें बी फार्मा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। करो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि कम फीस, ज्यादा स्कोप और बढ़िया पढ़ाई होती है। बाकी प्राइवेट जगहों में फीस ज्यादा ली जाएगी, पढ़ाई भी बेहतर नहीं होगी। तो इन 6-7 यूनिवर्सिटी में अगर आप भरना चाहते हो तो हमने एक पीडीएफ दिया है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना है इस पीडीएफ को प्रिंट कराना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसके बाद आपको सारी यूनिवर्सिटी का लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें लिस्ट दिया हुआ है। आप पहले 8 में से देख लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। मैं तो कहूंगा मैक्सिमम में करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम में करने से आपका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें से टिक कर लोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर क्या कोर्स सेलेक्ट करना है, मतलब किस नाम से बी फार्मा चल रहा है वहां पे, ठीक है ना? हमने लिख के दे दिया। फिर आप फॉर्म में जब यूनिवर्सिटी और कोर्स का जहां सेक्शन आएगा वहां पे वो यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी का वो कोर्स सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है। तो आपने यूनिवर्सिटी और कोर्स जब सेलेक्ट कर ली, जैसे आपने बीबीयू सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने हेमवती सेलेक्ट कर लिया, गुरु घासीदास सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने सागर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, ये सारी यूनिवर्सिटी अगर आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े सर इसके लिए, तो देखिए इसके लिए आपको फिजिक्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में आपका एक लैंग्वेज इंग्लिश, प्रिफरेबली हम बोलेंगे आपको कि लैंग्वेज में इंग्लिश लिया करो, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा जो यूनिवर्सिटी में मांगती है, ठीक है ना। और साथ में आपको जीटी, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हो, बी फार्मा कोर्स भर रहे हो, तो एडिशनली आप बीएससी कोर्स भी भर देना, करना ना भी हो तो। क्यों? क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है, तुम्हारे लिए बैकअप ऑप्शन तैयार हो जाएगा काउंसलिंग के लिए, और इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बीएससी के भी एडमिशंस होते हैं, तो आप चाहो तो बीएससी भी ऐड कर सकते हो बी फार्मा के साथ साथ, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमने बाबू आपको पूरी दे दी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में होती है, ठीक है ना, हेमवती में होती है, गुरु घासीदास में, सागर यूनिवर्सिटी में होती है, ठीक है, बीबीयू में होती है, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके लिए करती है लेना एडमिशन। सब्जेक्ट भी आपको बता दिया, ये सब्जेक्ट आपको भरने हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना, कि स्टेट की यूनिवर्सिटी कैसे, कौन कौन सी है और कहां कहां है, ठीक है ना। तो देखो स्टेट की यूनिवर्सिटी ये सारी है, जैसे एक भी है यूपी में अपने बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, उसके बाद देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, फिर दिल्ली में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है आईपीयू, जिसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसमें आप भर सकते हो, यहां से भर सकते हो। तो ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट दे दी। फिर हमने डीम्ड और प्राइवेट की दी है, जिसको आपको भरना नहीं चाहिए, अगर चाहते हो तो भर भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें सिलेक्शन है कि पीडीएफ को देख के आप यूनिवर्सिटी और कोर्स का लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट मांगा था, उसी सब्जेक्ट में दूसरी यूनिवर्सिटी भी एलिजिबल हो गई, तो ऐसे आपका एक सब्जेक्ट लिस्ट तैयार हो जाएगा, और फिर उसको फॉर्म में भर दीजिएगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे पीडीएफ कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहां से नहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट फ्री में पढ़ने के लिए भी मिलता है, और उसमें एक सेक्शन है इंपॉर्टेंट पीडीएफ का। यहां जाएंगे तो सीयूटी 2024 कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट है, इसमें देखिएगा, और यहां पे आपको दिख जाएगा क्या कि यहां पे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जिस कोर्स के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो उसकी पीडीएफ यहां से देख सकते हो, ठीक है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल टेस्ट लैंग्वेज की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। मात्र 1200 में आप तैयारी कर सकते हैं हमसे पूरा कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का 2024 के सेशन के लिए। और ऑफलाइन में भी आप चाहो तो हमारे दुर्गा कुंड ब्रांच आके पढ़ाई कर सकते हो, इसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, बैचेज ऑलरेडी चल रही है, तो जितना जल्दी आपको तैयारी करना है डिसीजन लेके तैयारी चालू कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन हमारे ऐप से करना चाहते हो या ऑफलाइन या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो। पर फॉर्म में जितनी यूनिवर्सिटी है सारी जरूर भरना, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट जरूर भरना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे कोई भी समस्या होगी कोई भी जानकारी होगी तो आपको बताई जाएगी। क्योंकि देखिए सीयूटी के फॉर्म में आप 6 सब्जेक्ट भर सकते हो, तो 5 तो यही सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी है भरने के लिए, ठीक है ना। और स्टेट और सेंट्रल की जितनी यूनिवर्सिटी है उनको जरूर आप डालिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा ऐड करने का कोई पैसा नहीं है, तो आपके पास आगे ऑप्शंस खुले रहेंगे ना, इसलिए भरिए, ठीक है ना। और बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, बी फार्मा के अलावा कोई और कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐप डाउनलोड करके रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं, बहुत मेहनत से बनी है पीडीएफ बच्चों, क्योंकि आप जाओगे वेबसाइट पे बहुत फैला हुआ इन्फॉर्मेशन, उसको एक जगह ला के देना बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।